नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि ना तो कानून को हाथ में लेने देंगे और ना ही सूबे के विकास में बाधा डालने वाले अपराधियों को छोड़ेंगे, और जिसने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण कराए हैं उनको ऑपरेशन क्लीन के तहत ध्वस्त करते हुए खाली कराया जाएगा, और इस दौरान जो भी आनाकानी करेगा उसको सबक सिखाया जाएगा। इसलिए लगभग हर रोज प्रशासन माफियाओं से अवैध कब्जों को मुक्त करा रहा है। तो मैं लखनऊ विकास प्राधिकरण नजूल की जमीनों से कब्जा वापस लेने के लिए सर्वे करा रहा है। राजधानी में कई लाख वर्ग फीट जमीन अलग अलग क्षेत्रों में पड़ी है जिस पर लोगों ने कब्जा जमाया हुआ है, और इस जमीन को खाली कराने के लिए कब्जा जमाए लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन कई लोग जमीन खाली करने को तैयार नहीं है, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब खबर है कि भारी विरोध के बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने शनिवार को हनुमान सेतु मंदिर के करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई है। इस जमीन पर बांग्लादेशियों ने भी अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था। एलडीए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अभियान को रोकने के लिए काबिज लोगों के अलावा कुछ वकील भी सामने आए, लेकिन प्रशासन इस कार्रवाई को लगातार जारी रखा और देर शाम तक चले अभियान के दौरान कबाड़ी बाजार को हटा दिया गया, जहां कुछ कब्जे पतले रास्ते होने के कारण जेसीबी के ना जाने पाने के कारण नहीं टूट पाए, उन्हें मजदूरों से तोड़वाया गया। तो वहीं उन लोगों को एक दिन की मोहलत दी गई है जो खुद कब्जा हटाने चाहते हैं। सोमवार को एलडीए फिर अभियान चलाएगा। एलडीए के तहसीलदार राजेश शुक्ला ने बताया कि हनुमान सेतु मंदिर के पास नजूल की 60,000 वर्ग फीट जमीन पर सालों से कब्जा था। कबाड़ी बाजार के अलावा बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़ी और टीन शेड डालकर निर्माण भी कर लिए थे, जिनको हटाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की अगुवाई में अभियान चलाया गया। इसमें कई बार कब्जेदारों ने विरोध किया पर अभियान नहीं थमा। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 35,000 वर्ग फीट जमीन से कब्जा हटा दिया गया और शेष जमीन से भी कब्जा हटाने का काम सोमवार को चलेगा। खास बात यह कि राज्य नागरिक सेवा की लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात एक महिला संयुक्त सचिव ने बांग्लादेशियों की ओर से कब्जा गई भूमि को खाली कराने में कड़े तेवर दिखाए हैं, यानी कि साफे के सूबे के अंदर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।